नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024, ये वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कहा जा रहा है कि सनातन संस्कृति का मौजूदा समय में ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। लेकिन सनातन धर्म में जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, जो सबसे बड़ा पद है, वो होता है शंकराचार्य का। और इस इतने बड़े धार्मिक आयोजन में देश के शंकराचार्य शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी मौजूद हैं। स्वामी जी, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण नारायण। स्वामी जी, 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो, जो कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है मौजूदा समय का, और आपका पद जो है वो सबसे बड़ा होता है सनातन धर्म में धर्म गुरु का, और आप इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, वजह कारण? नहीं, हमने एक बात उठाई है कि हमारे यहाँ जो भी धार्मिक कार्य होता है, धार्मिक, कोई सामाजिक कार्य की बात अलग है, राजनीतिक कार्य की बात अलग है, जो धार्मिक कार्य होता है उस धार्मिक कार्य में धार्मिक विधियों का पालन अनिवार्य होता है। तो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधि की अवहेलना करके धार्मिक कार्य नहीं किए जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हमने अनुरोध किया वक्तव्य के माध्यम से कि मंदिर पूरा बन जाने दिया जाए, क्योंकि अधूरे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा उचित नहीं है। मंदिर पूरा बन जाने दिया जाए, उसके बाद प्रतिष्ठा की जाए, इतनी सी बात है। आपको निमंत्रण मिला है? भगवान के यहाँ जाने के लिए वैसे तो किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप तकनीकी रूप से पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का, वहाँ पे उनको शामिल होना चाहिए था? और आपका मैंने एक इंटरव्यू भी सुना जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं एंटी मोदी नहीं हूँ, लेकिन हम एंटी शास्त्र भी नहीं जा सकते हैं जी। तो ये शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि मंदिर निर्माण को लेकर एक तरफ एक संतों का वर्ग है जो उसमें शामिल हो रहा है, बड़े जोश खरोश के साथ उसमें कह रहा है कि बड़ा दिन है, राम जी का स्वागत किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये एंटी शास्त्र पूरा धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो शास्त्र इसको लेकर क्या कहता है? देखिए, शास्त्र कहता है, कोई भी वास्तु शास्त्र उठा के देख लीजिए जिसमें मंदिर के बारे में चर्चा की गई, हर शास्त्र कहता है प्रासादो देव रूपस्यात्। जो प्रासाद होता है, प्रासाद माने भवन मंदिर, वो देव रूप होता है, माने जो मंदिर में जब हम जाते हैं तो जो बाहर से दिखता है पूरा मंदिर वो देवता का शरीर होता है, और जो मूर्ति होती है वो देवता का आत्मा होती है, प्राण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रासाद जो है वो देव रूप है, और फिर उसमें कहा गया है शिखरस्तु शिरोग्येयो, जो शिखर है वो उसका सिर होता है। तो अभी सिर बना ही नहीं, आप धड़ में प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये उचित नहीं है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, और किसी समाज की दृष्टि से भले इसको सही कहा जा सके, लेकिन धर्म की दृष्टि से जब हम देखते हैं, शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, तो ये उचित नहीं है। इसीलिए हमारा अनुरोध था कि मंदिर को पूरा बन जाने दिया जाए, तब धूमधाम से प्रतिष्ठा की जाए। मुहूर्त को लेकर भी एक नया विवाद शुरू हुआ था, आपका ही सुना था कि रामनवमी के दिन ये शुरुआत होनी चाहिए, उसको लेकर भी आप कुछ कहें? नहीं, मुहूर्त के बारे में ये है कि अभी कोई प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है। जो मुहूर्त बताने वाले ज्योतिषी जी हैं उनका भी हमने चैनलों में देखा, लोगों ने हमको दिखाया, तो वो भी कह रहे हैं कि हमसे जनवरी में ही मुहूर्त मांगा गया था, इसलिए हमने जनवरी में जो अच्छा समय था बता दिया। तो अब सवाल ये है कि जनवरी में ही क्यों उनसे मांगा गया कि इसी में हमको दे दीजिए? इसका मतलब है कि कोई चाहता है कि मुहूर्त की जरूरत नहीं है, हमको तो अपनी सुविधा के अनुसार करना है, ये बात है। स्वामी जी, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो इसमें नहीं जा रहे हैं, और भी शंकराचार्य हैं जिन्होंने इसका विरोध जताया है, तो बाकी शंकराचार्यों से आपकी कोई बातचीत हुई है इस बात को लेकर, कोई चर्चा हुई है कि नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, आप मिलकर, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि हम चार जले भले हैं, लेकिन हम चारों चार इसलिए हैं क्योंकि हमारा क्षेत्राधिकार अलग अलग है। उत्तर भारत
उत्तर वाले का है, दक्षिण भारत वाले का है, पूर्व पश्चिम भारत उनका है। तो क्षेत्राधिकार की दृष्टि से हम चार हैं, लेकिन सनातन धर्म की दृष्टि से हम एक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र एक हैं, चारों शंकराचार्यों के शास्त्र तो एक ही हैं, इसलिए चारों में कोई मतभेद कभी हो ही नहीं सकता। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी ये हो रहा है, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आपका पक्ष लिया, कांग्रेस ने आपका समर्थन लिया, तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा बोल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके बयान पे, क्योंकि जब आप शास्त्र सम्मत बातें कह रहे हैं, उसको लेकर ये राजनीति करना कितना सही है और क्यों की जा रही है? देखिए, ये तो राजनीतिज्ञों से पूछिए कि वो क्या राजनीति कर रहे हैं। हमारा बयान किसी समय किसी के अनुरूप हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई बात कहेंगे तो किसी न किसी के विरुद्ध होगी, किसी न किसी के अनुरूप होगी। तो जिसके अनुरूप होगी वो उसको लेके उड़ जाएगा, जिसके विरोध होगी वो विरोध करने लगेगा। तो लेकिन हमारी बात किसी को ध्यान में रख करके कही गई है ऐसा नहीं है। हमारी बात केवल धर्मशास्त्र को ध्यान में रख करके कही गई है। और हम इसलिए, दो कारण हैं हमारे जो जिसके कारण हम ये बात उठा रहे हैं, किसी के प्रति राग या द्वेष के कारण नहीं, किसी राजनीति के व्यक्ति का खिलौना बन करके नहीं। हमारी समस्या क्या है? एक, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अगर शास्त्र विधि की अवहेलना करके कोई धार्मिक कार्य किया जाएगा तो उसका कुफल होता है। वो जो लोग यजमान बन रहे हैं, जो आयोजन कर रहे हैं और जो उसमें सम्मिलित जनता है, उसके ऊपर उसका फल कल को आ सकता है, कुफल आएगा। दूसरे, यह हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका मतलब है कि महान पुरुष, बड़े लोग, महाजन जैसा कर देते हैं फिर वही लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है और फिर लोग वैसा ही करने लगते हैं। तो अधूरे मंदिर में एक जगह अगर बड़े मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई तो जाने जगह सब जगह फिर लोग अधूरा मंदिर बना के ही प्रतिष्ठा करने लग जाएंगे। तो जो शास्त्र के विधि है, नियम है, उसका अपलाप होने लग जाएगा। तो इसीलिए जहाँ महाजन हो वहाँ पर बहुत बारीकी से चीज़ों का विचार किया जाता है, क्योंकि लोग उसी को नज़ीर बनाते हैं। तो इन दो कारणों से हमको अपनी बात कहनी पड़ रही है, किसी के पक्ष में विपक्ष में हम नहीं बोलते। क्योंकि अब मंदिर बन ही रहा है और मंदिर श्रेय बनने को लेकर अलग अलग संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी इसका श्रेय ले रही हैं, सरकार इसका श्रेय ले रही है। आपकी नज़र में, क्योंकि आप सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, ये जो राम मंदिर अब बना हुआ है, किसे आप इसे श्रेय देंगे? देखिए, 500 सालों का संघर्ष रहा है, जाने कितने राजा, जाने कितने सैनिक इसके लिए खेत हो गए, 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया है, उनको नहीं भूल सकते। के नैयर जो कभी कलेक्टर थे, उन्होंने 22-23 दिसंबर की रात्रि में वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी, उसमें सहयोग किया था। बाद में उन्होंने उन मूर्तियों की सुरक्षा की और उनको नौकरी भी अपनी छोड़नी पड़ी थी, उनको श्रेय नहीं जाएगा? उसी तरह से रामचंद्र परमहंस और दूसरे जिन महात्माओं ने वहाँ पर मूर्ति ले जा करके रात को रखी थी और भगवान को विराजमान किया था, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जो अभिराम दास निर्मोही अखाड़े के, जिन्होंने वहाँ पर मेला लगवाना शुरू किया, जिन्होंने वहाँ पर चबूतरा बना करके वहाँ पर भगवान श्री राम का संकीर्तन शुरू किया, इसके लिए संघर्ष तारी किया, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जब जो कार सेवक आए वहाँ पर, उन्होंने ढांचे को ढहा करके जो पुरातात्विक उत्खनन है उसका मार्ग प्रशस्त किया, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जो नरसिंहा राव वहाँ पर मिलिट्री लगा करके वहाँ पर तंबू तानने का अवसर देते हैं, उसमें सीढ़ियाँ बनाने का अवसर देते हैं, वहाँ पर मूर्ति मंगवा करके, जो मूर्ति गायब हो गई थी, दूसरी मूर्ति राजा साहब के घर से ला करके चार भाइयों की वहाँ स्थापित करके पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा? नरेंद्र मोदी को देंगे? उसी तरह से, अब तो हम तो सिक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। राम जन्मभूमि का आप पूछते हैं किसको श्रेय जाएगा, हम एक सिलसिलेवार 500 साल से लेकर के बताते आ रहे हैं। अगर आप धीरज रखते तो नरेंद्र मोदी का भी नाम बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको धीरज ही नहीं है मौजूदा समय में, क्योंकि आप नरसिंहा राव जी का आपने जिक्र किया तो मुझे लगा मौजूदा समय के जो भाई नरसिंहा राव का हमने सिक्वेंस में नाम लिया, एक एक घटना के बाद हम नाम ले रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का ही सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का भी श्रेय है। श्रेय यह है कि उन्होंने मंदिर बनाने में रुचि ली, प्रतिष्ठा करने के लिए आयोजन करना चाहते हैं, उनका भी अपना श्रेय है। और बाकी कई हम जिनका कहना चाहते हैं उनका छूट गया, नहीं आप कई हम नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी का कहो एक, क्योंकि इसको लेकर हम जैसे ही कह रहे हैं कि
क्योंकि इस वक्त देश में जो माहौल बना हुआ है वो कहा जा रहा है कि ये सरकार हिंदुत्व को लेकर बड़ा अमृतकाल चल रहा है, देश के सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष होता है जो कहता है कि राजनीति में धर्म की जगह नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य के तौर पर आप क्या समझते हैं, सरकारों का धर्म के प्रति क्या रोल होना चाहिए, अभी जो चल रहा है उसे मौजूदा परिस्थितियों में आप कैसे देखते हैं? देखिए, दाल में नमक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह सवाल है। कोई कहे कि नहीं होना चाहिए वो भी गलत, और कोई कहे कि होना चाहिए खूब वो भी गलत। उसका एक रेशियो है, एक अनुपात है। अनुपात में अगर उसमें हल्दी नमक रहेगा तो वो गुणकारी है, और अनुपात से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पूरी दाल को भी खराब कर देगा। तो राजनीति में धर्म, धर्म में राजनीति थोड़ी बहुत ठीक है जितना उसका अंश बनता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र को राजनीति आकर के आच्छादित कर ले, राजनीति के क्षेत्र को धर्म जाकर के आच्छादित कर ले, ये दोनों गलत है। तो जो राम मंदिर के जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हुई थी इसको लेकर, आपकी या उनकी तरफ से कोई फोन आया था, किसी तरह से कोई बातचीत हुई थी? नहीं, हमसे कभी नहीं, किसी ने कभी कोई बात नहीं की। आपको लग रहा है कि शंकराचार्य, इनका बड़ा पद है और इनका काम होता है जो पद पे बैठे होते हैं, पावर पे, सत्ता पे बैठे होते हैं, उनको सलाह लेना, लेकिन आज खुद देश के जो नेता हैं वो खुद धर्म का संदेश दे रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, ये इस तरफ देश की राजनीति आप जा रही है कि संतों से सलाह नहीं ले जा रही है, फैसला थोपा जा रहा है? यही तो बात है कि धर्म के कार्य में धर्माचार्य से सलाह लेनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य का कारण आ जाए तो डॉक्टर से सलाह ली जाएगी, वकील से नहीं, उसी तरह से धर्म का कार्य आ जाएगा तो धर्माचार्य से सलाह ली जानी चाहिए। तो धर्माचार्यों का जो ट्रस्ट शंकराचार्यों का बना हुआ था उसको तो हटा करके इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया, इसी से पता चलता है कि धर्माचार्यों की राय उनको लेना नहीं है। आपको लगता है कि इस वक्त संतों का सिर्फ एक वर्ग है जिनका पक्ष लिया जा रहा है, जो शास्त्र को जानते हैं उनकी नहीं सुनी जा रही, यही कहना चाह रहे हैं? अब किसकी सुनी जा रही है किसकी नहीं सुनी जा रही है हम तो ये नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरा हो जाए उसके बाद प्रतिष्ठा की जानी उचित है, और कह रहे हैं, वहाँ जाके रोकने नहीं जा रहे हैं। हमारा काम है उचित बात को कह देना, मानना ना मानना अगले का काम है। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और उम्मीद करते हैं कि ये संदेश आगे तक भी जाएगा।